तो ये देखिए गाइस, मैं इतने कुछ ये जो फूल इकट्ठे करके लेके आ गया हूँ कि मैं ये फूल कहाँ लेके जा रहा हूँ, क्यों लेके जा रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है चाय से। तो ये देखिए, आजकल ठंड में है तो सुबह उठ के हम सबसे पहले चाय ही पीते हैं, इससे हमारे दिन की शुरुआत होती है। तो ये मैंने देखिए चाय ले ली है और अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ एक मिनट। सुबह से देखिए पहाड़ों पे जो धूप पड़ रही है, बहुत अच्छा व्यू है। तो ये देखिए गाइस, सुबह का व्यू। अभी पहाड़ों पर धूप आ चुकी है, यहाँ नीचे तक आ चुकी है, अभी यहाँ ऊपर भी अभी आने को है, अभी यहाँ नहीं आई, अभी यहाँ भी आएगी। और सुबह का व्यू चेक कीजिए गाइस, कितना अच्छा है। और ये नीला आसमान देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है सुबह सुबह। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे कितने सारे ये फूल लगे हैं। तो मैं अभी फूल लेने आया हूँ पार्क में, तो जल्दी से मैं ये सारे थोड़े जो फूल इकट्ठे कर लेता हूँ। ये देखिए मैं इस लेके आया हूँ, उसमें भर के लेके जाऊँगा। तो ये फूल मैं क्यों लेके जा रहा हूँ आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, आप बने रहे मेरे व्लॉग में। तो अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ मैं कि मैं ये फूल कहाँ लेके जा रहा हूँ, क्यों लेके जा रहा हूँ। तो पहले मैं सारे फूल इकट्ठे कर लेता हूँ। और ये देखिए सामने सुबह सुबह सूर्य देवता के दर्शन, सूर्य देवता आ चुके हैं। और ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है हिमाचल में, आपको पता होगा अब ठंड शुरू हो चुकी है। मैंने हुडी वियर कर लिया है क्योंकि सुबह और शाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। और ये पार्क से देखिए व्यू, और जो सामने वो आपको पहाड़ी दिख रही होगी वो है करोल की पहाड़ी। और इस तरफ ये देखिए, ये हमारा गाँव इस तरफ। तो ये देखिए गाइस, मैं इतने कुछ ये जो फूल इकट्ठे करके लेके आ गया हूँ। तो अभी मम्मी इसकी वो माला बनाएंगे। तो माला किस लिए बनाएंगे? आज जो हमारे एक त्यौहार मनाया जाता है, बेसिकली जो है वो गाय की पूजा की जाती है। तो उसके लिए जो हमें गाय के लिए आज माला बनाएंगे, जितने भी हमारे पास गाय होती हैं उन सब की हम पूजा करते हैं, उनको ये जो माला है आज पहनाते हैं। आज गाय का एक त्यौहार मनाया जाता है, उसमें हमारी जो यहाँ पे लोकल भाषा उसमें उसे माल पुण्या बोलते हैं, जो आज है। तो माल पुण्या के दिन जो है गाय की पूजा की जाती है और उन्हें ये माला बना के पहनाई जाती है। तो अभी मम्मी इसकी माला बनाएंगे, फिर हम गाय का पूजन करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊँगा जो हम गाय का पूजन करेंगे। तो ये देखिए गाइस, इसे बोलते हैं हम पेड़ है, ये हमारे जो भाषा पहाड़ी भाषा में इसे भीहूल बोलते हैं। तो अभी मैं इसको थोड़ा निकालूंगा, इसकी पत्तियाँ वगैरह काटूंगा देखिए, क्योंकि जो आज हम जो पूजा करेंगे गाय की, तो उसको माला पहनाएंगे, तो उसके बाद हम जो ये वाला घास है, ये वाला जो डालियाँ होती है, ये खाने के लिए देते हैं गाय को। तो मैं अभी निकाल लेता हूँ इसे। वैसे अभी हम जो ये है गर्म होता है, तो अभी हम इसे वैसे नहीं देते, ज़्यादा जब सर्दियाँ पड़ जाएंगी तब के लिए हम इसे रखते हैं स्टोर करके। तो नहीं, ऐसे ही रहने देते पेड़ों में, फिर जब सर्दियाँ होती है तो हम इसे गायों को खाने के लिए देते हैं, क्योंकि ये गर्म होता है। तो अभी मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, आज इसलिए देंगे क्योंकि आज पूजा होता है। तो पूजा के बाद हम जो ये वाला जो आज स्पेशली निकाल के देते हैं आज। तो मैं अभी थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, तो फिर आपको मिलता हूँ। ये देखिए गाइस, ये माला बन चुके हैं जो हम लगाएंगे, और ये खाने के लिए बना दिया है गाय के लिए। गाय इसको पहले लगाएंगे, फिर ये है इससे छोटी, इसको लगाया है, ये सबसे छोटी इसको लगाया। अब ये देखिए, अब तीनों दिखा दिए मैंने आपको, अब इनको हम माला जो ये है माला ये पहनाएंगे इनको। ये देखिए गाइस, ये है गाय, इसका नाम गाय है, गायू इसका नाम। तो इसको हमने बना दी है, ये माला बांध दी है। देखिए गाय, इसका नाम है वृंदा, तो इसको भी हमने माला पहना दी है देखिए। और तो छोटी है, इसका नाम है गौरा, इसको भी हमने माला पहना दी है देखिए। इनको खाने के लिए दे देंगे थोड़ा थोड़ा, जो मैंने अभी निकाला था। ये देखिए गाय, अभी मैंने इनको ये खाने के लिए जो भ्यूल था वो डाल दिया है, और अभी सब लोग खा रहे हैं, इसको भी डाल दे पड़े। तो अभी सब लोग खा रहे हैं। तो ये देखिए, ऐसे हमारी जो पूजा थी वो हो चुकी है, पूजा जो मैंने आपको दिखाई थी गौ माता की, आज पूजा होती। तो मैंने मिला दिया आपको, तीन हमारी गायें हैं, सबसे बड़ी ये वाली है, फिर उससे छोटी है, फिर सबसे छोटी है वो वाली। हमारी बहुत पुरानी गायें हैं, सबसे बड़ी गाय
ये हमने कब करीबन 12-13 साल पहले ली थी ये वाली गाय, और इसी की जो ये आगे बेटी है, और इस वाली गाय की बेटी है आगे ये वाली। मैंने आपको सबको दिखा दिया, ठीक है। ये हमारी गौशाला, ये और एक कमरा आगे भी है, ये वाला है। तो ये हमारी गौशाला है। हमारे यहाँ पे जो हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में गौशाला को ओबरा बोलते हैं, तो ये हमारा ओबरा है जिसमें हम गाय को बांधते हैं। गौशाला को ही क्या ओबरा बोलते हैं। तो ये देखिए, मैंने इनको खाने के लिए डाल दिया अभी सबको, और इसको भी डाल दिया है। हम गौ माता का आशीर्वाद ले लेते हैं सबसे पहले। जय गौ माता, राधे राधे, हरि बोल हरि बोल।